हमारे प्रीति इस कार में वो करने वाली है जो वो करने यहाँ आई थी। मेरे आगे तेरी ये ताकत काम नहीं आएगी। तुझसे लड़ने के लिए मुझे अपनी शक्ति की कोई जरूरत नहीं। मुझे कुछ और करना होगा। तरह से ही लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। जिनकी नीयत में गद्दारी हो वो कभी अपने घर वालों के भी सगे नहीं होते। उन दोनों ने ये बात आज साबित कर दी। वहां मेरे बच्चे की जान खतरे में है और तुम लोग, छी, तुम्हें क्या लगता है वो प्रीति बच जाएगी? कभी नहीं। सच्चाई की मदद करने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। तो ठीक है, बुला लो फिर भगवान को, हम भी दर्शन कर लेंगे। देखो भाभी जी, एक बेटा तो गया आपका ऊपर, अब ऊपर जाने की तुम सबकी बारी है। हुई। ओए, ओए करण, तू आ गया। इसका मतलब क्रिश का पत्ता साफ, प्रीति उसे ही मारने गई थी ना। अरे मुझे क्रिश की लाश लेकर आना चाहिए था। अरे कम से कम इन लोगों को दिखा देते। जैसे राधिका ने डाइनी को मार डाला, कहीं वो प्रीति को भी ना मार डाले। इस समय सही तो यही होगा कि मैं यहाँ क्रिश बनकर खड़ा रहूं। कम से कम खुद को जेल जाने से तो बचा लूंगा। हाँ ये कहां से आ गया भाई? जिसको चार कंधों के ऊपर आना चाहिए था वो तो मिल्खा सिंह की तरह तेरे पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा है। और तू तो इसको मारने गया था ना, तेरी जिंदा कैसे बच गया? क्या हुआ क्या वहां पे? बता। कमीने, धोखेबाज। क्या ना तू, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। बहुत परेशान किया ना तूने मेरी माँ और मेरी बहन को, लेकिन अब तेरा सारा खेल खत्म। खत्म। भैया, आपका छोटा भाई, आपका क्रिश आ गया है। अब आप परेशान मत होना, मैं सब संभाल लूंगा। माँ, माँ, मास्टर, माँ, मैं आ गया हूँ ना। अब आप परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। के पास कमीने, अपना ये नाटक बंद कर। मैं जानता हूं कि तू ही करण है। अब तेरा ये खेल खत्म। खेल तो तेरा खत्म। मैं रुपये मां, मैं ही क्रिश हूं। तुझे क्या लगा कि तू मुझे और मेरे पूरे परिवार को सताएगा और मैं देखता रहूंगा? नहीं, कभी नहीं। क्या तू भी मुझे नहीं पहचान पा रही? मैं ही तेरा क्रिश हूं, तेरा बेटा। नहीं मां, क्रिश मैं, वो तो करण है। इसने और उस प्रीति ने मिलकर मुझे पहले तो किडनैप किया, फिर खुद इस घर में आ गया और क्रिश बनकर रहने लगा। मां, मैं सच कह रहा हूं, मैं ही क्रिश हूं। मुझे बहुत टॉर्चर किया इन दोनों ने, और फिर राधिका ने मुझे आकर बचा लिया, है ना? क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ था,
तेरे साथ नहीं, तू सिर्फ एक धोखेबाज है और कुछ नहीं, सिर्फ तेरी शक्ल मुझसे मिलती है। धोखेबाज मैं? धोखेबाज तो तू है, झूठ बोलता है। मां कृष्ण मैं हूं। नहीं मां, मां कृष्ण मैं हूं, वो करण है। नहीं मां, ये झूठ है, आपका कृष्ण मैं हूं। एक मां अपने बच्चे की सारी निशानियों को बखूबी पहचानती है। अभी पता चल जाएगा कि तुम दोनों में से असली क्रिश कौन है। क्रिश के दाएं कंधे पर एक तिल है, हाँ मां, वो तिल मेरे कंधे पर है। देखिए मां, देखिए भैया, अरे जब बाजी ही हार चुका है तो फिर ये नाटक क्यों कर रहा है तू? हाँ सारा खेल तो खत्म हो गया, बंद कर अपना ये नाटक। तू पूरी दुनिया का धोखा दे सकता है पर हमें नहीं, तेरी ये चाल कभी कामयाब नहीं होगी। नहीं भैया, एक मौका मुझे भी दीजिए। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती और ना ही तुमसे बचने के लिए मैं तुम्हें इस मंदिर में लेकर आई हूं, बल्कि मैं तुम्हारी काली शक्तियों का विनाश करना चाहती हूं और इसीलिए तुम इस वक्त इस मंदिर में हो। जय माता दी। एक मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। ये देखिए, मेरे पास भी एक तिल है। माँ, माँ ये झूठ है। क्या हुआ करण? वो इंसान कितना ही झूठ क्यों ना बोल ले करण, उसकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। मां
भैया अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से असली कृष कौन है। ये क्या हो रहा है मुझे? लगता है प्रीति की काली शक्तियां हार रही हैं, इसीलिए करण का ये हाल हो रहा है। देखिए मां, देखिए भैया, सच्चाई आप सबके सामने है। मां, क्या अभी आप अपने बेटे को नहीं पहचान पाएंगी? भैया, मैं जानती थी मैं कि बुराई के खिलाफ इस लड़ाई में आप मेरा साथ जरूर देंगे। बच्चे की पुकार मां कभी अनसुना नहीं करती। आज तो आपने साबित कर दिया है कि अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई शक्तिशाली है तो वो सिर्फ आप हैं मां। माँ, इस संसार में बुरी शक्तियां चाले चल तो सकती हैं, लेकिन आपके रहते कभी नहीं जीत सकती। आज आपने इस बुरी ताकत को हम सबसे दूर कर दिया। ये लड़ाई मेरी थी माँ, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना मैं ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम।
हाँ नहीं मैं भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरा बेटा मेरे पास है। कृष राधिका कहाँ है? मुझे आप लेकर आई है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? लगता है ये सब कुछ भूल चुकी है। मुझे जानती हैं आप, कोई अपनी गलती से सबक तभी लेता है जब उसे अपनी गलती याद रहे। इसे भी सब याद दिलाना ही होगा, वरना ना ये खुद को पहचान पाएगी और ना ही अपने अंदर के इस बदलाव को। आप बस अपनी आंखें बंद कीजिए। सब मैंने क्या किया? मुझे ये अब सच्चाई नहीं
डरावना सपना सा लग रहा है। मैं इतनी बुरी थी, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, मुझे माफ कर दो।